खबर देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देवी माँ का आशीर्वाद है सब पे, वही बताने के लिए आए थे। वही सप्तमी से इधर भगवान का जो मेन खाना है वही बनाता है। हम लोग को 3 दिन भगवान का मेन खाना रहता है। सप्तमी का दिन हम लोग को खिचड़ी रहता है, वो 5 भाजी वेजिटेबल रहता है, आइटम्स रहता है। अष्टमी का दिन मेन भोग जो रहता है, जो चढ़ाता है, वो पुलाव रहता है, मटर पनीर रहता है, चटनी और 5 वेजिटेबल्स ऐसा रहता है, वो मेन भोग। और अष्टमी का दिन हम लोग को जो देवी का है वो संधि पूजा हम लोग को मेन रहता है। अष्टमी का जो चंडी का रहता है, और क्या है, अष्टमी का दिन बहुत बड़ा फेस्टिवल है। अष्टमी का दिन ही दुर्गा देवी का ही है। और नवमी का दिन अलग है, वो राइस बनता है, दाल बनता है, वेजिटेबल बनता है। और वो नवमी का दिन हम लोग को 3 दिन का खाना ख़त्म हो जाता है पूरा। नवमी दिन का और एक स्पेशल हम लोग को फेस्टिवल होता है, जो वो कुमारी पूजा होता है। हम लोग को जो 8 साल का बच्चा को लेके हम लोग को कुमारी पूजा करता है, वो मेन रहता है हम लोग का। दशमी का दिन सिद्ध उत्सव रहता है। कलकत्ता से हमारे ब्राह्मण जो होते हैं, पुरोहित जो है, वो कलकत्ता से आते हैं। और पूरे दिन तो सुबह से लेके रात तक पूजा होती है। तो वो चंडी देवी, चंडी का जो पाठ होता है और देवी का पूजा स्थापना, तो हमारे 4 दिन का पूजा है। षष्ठी से लेके दशमी तक होता है उसमें। और दशमी के दिन जो है तो देवी का विजया होती है। विजया होने के बाद सिंदूर उत्सव होता है हमारा। सब लोग सिंदूर लगाते हैं, जो सुहागिन होते हैं, जो मैरिड वोमेन हैं, सब एक दूसरे को देवी को सिंदूर लगा के सब एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं, क्या यही हमारा भावना है कि वो सिंदूर अक्षय रहेगा, ऐसे ही है। हम यहाँ पर जो है, ये सब फैमिली जैसा है हमारे लिए। तो हम फल काटने से लेकर भोग डिस्ट्रीब्यूशन से सब कुछ एक फैमिली की तरह करते हैं। हम सबको यहाँ पर वेलकम करते हैं। प्लीज़ ओपन हार्टेडली आइएगा, हमारा ये ट्रेडिशन एंजॉय करते जाइए विद आवर वैल्यूज एंड कल्चर। दिस इज़ व्हाट वी कैन से। माय नेम इज़ प्रियदर्शनी दत्ता। Thank you.